अरे तो हम भी बहुत बड़े एक्टर हैं, हमारे अंदर भी एक सुपरस्टार छुपा है। आह रियली? हाँ, आपको यकीन नहीं होता? नहीं। अभी दिखाते हैं, इसमें कौन छुपी बात, ये देखो। छुपा के रखते हैं सुपरस्टार को, ताकि हमको फील हो हमारे अंदर भी सुपरस्टार है। ठीक है, अब ये सब छोड़िए, मेरी स्टोरी सुनिए। अरे तो उसी के लिए तो हम बैठे हैं, स्टोरी सुनने के लिए। हम ही तो उन सर की सारी फिल्में सुनते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। सारी नहीं, बस हैप्पी न्यू ईयर के टाइम हम गाँव गए थे, छुट्टी पे थे हम। और दिलवाले? दिलवाले के बाद? दिलवाले तो बहुत बड़ी हिट थी। अरे टिकट नहीं मिल रही थी, मालूम है? तो पोस्टर लगा था, इधर अजय देवगन, इधर सुनील शेट्टी, दोनों ऐसे दिख रहे, ऐसे आपस में बात कर रहे हो। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन जो सपने से प्यार पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा है। सपना से बहुत प्यार करता हूँ, सपना मेरी अपनी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा जम था। ठीक है ठीक है, अभी मैं स्टोरी में कॉन्सेंट्रेट करूँ। हाँ, स्टोरी सुनाओ। ठीक है, ये जो स्टोरी है ना, वो होती है स्विट्जरलैंड के एक गांव में। स्विट्जरलैंड के गांव में? क्यों? वो मैंने सुना है कि शाहरुख सर ठंड में ही डायलॉग बोल पाते हैं ना, मतलब कैसे होगा मौरत अगर ठंड में नहीं करेंगे तो। अच्छा, सच्ची बताना सच्ची बताना, तुम चाहती हो ना कि शाहरुख साहब को गुस्सा आए, वो तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम्हारा प्रोमो कट के टीवी पे आए? अमिताभ, कुछ कहना चाहते हैं शाहरुख जी से? सर आपको याद नहीं पिछले बार भी जब आए थे हमने परफॉर्म किया था? यहाँ पर चीक पे देखा ना, फिर दिलवाले का क्या हाल हुआ सर? मैं जिम्मेवार अकेली नहीं हूँ सर, ये भी छोटी मोटी पप्पी है, इधर भी बांटी दिया आपने। सर कहानी अधूरी रह गई थी, मुझे वो कंप्लीट करनी है, मुझे भी आपको आपके चीक पर किस करना है। भारती से टोके, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चलो कोई नहीं, क्या कर लो। सर आप इधर आइए सर। आए कितनी मेरी बात मानते हैं सर, यही टेलीकास्ट घर देख लेते हैं ना, बीवियाँ फिर कहती उधर उतनी मान लेते, मेरी तो मानते नहीं बात है ना, होता है सर ऐसी बीवी नहीं है ना। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं सर। इसने सर क्या किया था? काका काका क्या क्या? ऐसा तो कोई पागल लड़की है आपके घर के बाहर करी? हाँ सर, मैं आपके लिए पागल हूँ और मैं आपके घर के बाहर हूँ, कर ही रही। सर एक बार ऐसा भारती ने भी किया था सर, ये बाहर रोड पे खड़ी होकर आपका स्टाइल मार रही थी, पीछे ट्रैफिक जाम हो गया, कहते फाटक बंद है यहाँ। आज शाहरुख है, आज कुछ भी चलेगा सर, आप असली वाला कर दो एक बार। कका 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 सर आपसे एक बात पूछनी है, सब लोग कहते कका कका है, नहीं लगता ना रंग नहीं लगता, ऐसे बोलते तो आपको गुस्सा नहीं आता सर? लोग मिमिक्री करते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं जब भी जाता हूं तो ऐसा सुनता हूं तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब किया है, और सुन के मुझे ना ये किसकी कर रही है मिमिक्री। बट क्या है, मेरा दिल बड़ा है, मैं बड़ा स्टार हूँ, तो जैसी भी करते गंदी सड़ंदी में कहता हूँ, नहीं बहुत अच्छा है यार, बिल्कुल। मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने कौन सी पिक्चर में अंगड़ाई लेते हुए इतनी लाइनें बोली हैं कि आई लव यू, कब बोला मैंने, सिवाय उस फिल्म में मैंने आवाज बदली थी, पतली की थी। डर में तो मैं सर अपने को, डर में ही सिर्फ को क्या मैंने। आपको याद है आपने कितने कक बोले थे सर? नहीं नहीं नहीं, मैं वो मेरे एक दोस्त थे जो ऐसा बात करते थे, तो मैंने उन पे बेस किया था, और मुझे सचमुच नहीं मालूम था कि वो जिंदगी भर जो है, मैं कितनी भी मोटी एक्टिंग कर लूँ, अभी मैं पागल हो गया हूँ बेस में बात कर करके, जो भी पिक्चर में नॉर्मल रोल भी होता है मुझको तो दिल तो सभी के पास होता है, लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं होता, मैं हर चीज मोटी मोटी कर करके बात करता हूँ। कब वो दिन आएगा कि लोग जो है मैं आगे किरण ऐसा सब करना शुरू करेंगे? और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये मेरा जो बड़ा लड़का है अभी 18 साल का है आर्यन, तो जब भी कुछ बात होती है कि आर्यन कम ऑन यार नाउ, यू बेटर स्टार्ट स्टडिंग, अभी तुम्हारे एग्जाम्स हैं, ये कुछ मत करो, कम ऑन यार डू दिस नाउ लिसन, तो वो सडनली वो कहते हैं हाय मैं अभी पढ़ूंगा थोड़ी देर। तो मेरे घर वाले ये समझते हैं कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, कई सर आप कुकू को आप कैसे नहीं करते सर, रोटी पकड़ के ये फाड़ के तो नहीं देते सर? मेरे को लगता है मेरे घर के मेरे जितने भी लोग घर में काम करते हैं मेरे पीठ पीछे हंसते ही होंगे, ऐसे ही करते रहते होंगे सर, ये करते रहेंगे। वो कई लोग मुझको ऐसा बोलते भी हैं कि मैं बकरी हूँ, मेरी आवाज़ बकरी जैसी, एक पिक्चर क्या की मैंने ना आई लव यू कक कक कक, मतलब आज मैं बता दूँ आई हेट किरण, आई हेट एनी वन जिसका नाम किरण है, साला जिसका नाम कस है मैं उससे नफरत करता हूँ।
लग रहा था कि इतना इतना कभी टाइम भी नहीं लगाया सर आपने। टाइम भी नहीं लगाया और कितनी मेहनत लग रही है, ऐसे थोड़ा मैं लड़की से मिलूं, मेरे को क्या है। मैं देखो अगर मुझे बोला यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो मेरे साथ किसी कोने में बातचीत करते हैं, इतना ये थोड़ा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तो लड़की चले जाएगी तब तक। आप लगे रहिए, यहाँ मैं आती हूँ, फिर वापस कोई और रॉन्ग महीने लग जाते हैं करने के अंदर, इतनी मेहनत तो करनी नहीं चाहिए। सर बकरी कहते अरे ठंड लग रही है एसी बंद कर दे, ऐसा ये भी नहीं मैंने देखा सर कभी आपको करते। और अगर ये सब मैंने किया है तो फिर सुपरस्टार बनने के लिए यही करना पड़ता है दोस्त। तो जिन लोगों को ये अजीब लगता है मैं उनको बोल दूं कि बुरा मत मानो, अगर तुम हिल सको, तुम ढिल सको और तुम स्टैमर कर सको, तुम करके बन जाओ सुपरस्टार, क्या बड़ी बात है इसके अंदर। सो प्लीज ट्राई इट, अगर मैं तुम्हारा मजाक कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी कर रहे हो मेरी मिमिक्रियां, ये मेरा बड़प्पन है जो मैं बोल रहा हूँ ये। हमारे यहाँ एक 80s के हीरो हैं जो ये दावा करते हैं कि आपने तो फैन अब बनाई है, उनके बहुत फैन हैं, आपके फैन कुछ भी नहीं। बुला लिए सर उनको? हाँ हाँ बुलाओ यार, देख लेता हूँ मैं उसको। जोरदार तालियां हो जाए शकील जी, श्रुति और पूजा के लिए। हेलो, हाँ जी हाँ, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ शब्बन रामलाल कुमार, हाँ जी SRK। नहीं वो अलग हैं, वो अलग हैं। मेरी फिल्म वो देखी डॉन, देखिए ना उसको पलट के देख ले, मतलब पार्ट टू देखिए, अच्छा जंजीर वो भी देखिए, शोले भी देखिए, 24 घंटे फिल्म देखता है मनहूस के बच्चे। घर पे भी रहा कर बाप को कैसे बचाने का, कौन सा अब्बा है अंदर कौन? कैसे हैं शाहरुख भाई? आदाब। आदाब। आपको तो पता है मेरा अमिताभ साहब का स्टेटस लेवल है एक, सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल पता है क्या, उनकी जब सालगिरह होती है ना पूरा बॉलीवुड होता है, लेकिन जब तक मैं नहीं जाऊँ केक नहीं काटते, क्योंकि माचिस मेरे पास होता है, मोमबत्ती कौन जलाएगा। तो ऐसा मसला है, बहुत बेतकल्लुफ है मुझसे, बहुत कभी भी मुंह पे लात मार के सॉरी नहीं की उन्होंने। उनको पता है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। अरे चल के छुप जाओ। अबे चल बे, जब छुपता हूँ एक बच्चा हो जाता, चल यहाँ से। मेरे साथ चल के छुप लो, हमारे घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। ओ माय खुदा, आज मेरी बर्थडे है इसलिए मेरे फैन आए हुए हैं, मैं हर 3 महीने बाद बर्थडे रखता हूँ ना। आज कौन सा बर्थडे है तुम्हारा? मेरी 26वीं। 26वां बर्थडे, तो चल 6 गुजर कर ले। क्या बकवास कर रहे हो, वो भी तो देखो ना 15 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। 15 साल? चल उनका 5 इधर कर ले। और तू तो है ही 77 की, अब 7 कहीं भी कर 77 ही आएगा। तुम जवान लगने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि एक्टर का जवान रहना बहुत जरूरी है, क्यों सर? नहीं एब्सोल्युटली यार। एक मिनट, एक्टर तुम? 20 साल हो गए तुम कैमरा के सामने नहीं आए। बकवास करी, मैं कल ही कैमरे के सामने आया, लोग पूरे स्टेडियम में मारा मुझे, चलते सीन में घुस गया चाय लेके, कह रहा भाई उधर साहब है। मेरे को तो छुप के भी नहीं आने दे रहे, कमी ने कहीं मैं मशहूर ना हो जाऊं। बिल्कुल समझ गई ना। तुम्हारी जो आखिरी पिक्चर थी वो कहां है? मेरी पहली 20 साल पहले लगी थी, लोगों के पर्दे पे लगती है ना, मेरी गली की दीवार पे लगी थी। और उसी फिल्म की वजह से मैं अपने घर से भागी थी। देखिए सर ये होती है फैन फॉलोइंग, आप जलो सर हल्का सा जलो, करके जल लो बस। चलो ये होती है फैन फॉलोइंग। तुम्हें पता है मैं क्यों भागी थी? क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि तुम्हारी शादी कराएंगे राजेश खन्ना से, और मेरे हाथ पकड़ा दिया ये मद्रासी गन्ना। हाय सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। सर यहाँ भी जलना बनता है आपका, हल्का सा जलो सर, क्यों जलो बस जल जाओ। सर देखो सर क्या दिन आ गया, परसों क्यामत है, खूबसूरत आदमी खड़ा, टके के आदमी को कह रही मैं फैन। क्या बात है सर। और बात सुनो हथौड़ी की मुंह वाली, अगर तूने कोई गड़बड़ की ना, 20 साल में पहली दफा मुझे कोई फैन मिली है, अगर गड़बड़ की तुझे केले के पत्ते पे तलाक लिख के दूंगा मैं। अबे सुन बे,
हाँ बे, अगर तूने लंबी लंबी छोड़ी ना हाँ। तो तेरे मुंह पे दही लगा के तुझ पे कुत्ते छोड़ दूंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, मैं ना अमेरिका से आई हूँ और एक बॉलीवुड की गोल्डन एरा पे बुक लिख रही हूँ। मेरे पे? हाँ सर, जले सर, हल्का सा जले सर, हल्का सा जले। मेरे पे किताब लिखी, उसको कागज नहीं मिल रहा, लो आ शुरू हो जाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपने कोई अपने करियर में ऐसे, जैसे कि एसआरके की एक लेजेंडरी फिल्म है डीडीएलजे, आज भी चल रही है, ऐसी कोई फिल्म तो जरूर की होगी आपने। हंसी निकलवा देगी लड़की मेरी। अबे वो गाना मेरे पे तो फिल्माया था पहले। कौन सा? तुझे देखा तो वो मेरे पे था। ओ रियली? सच कह रहे हैं? पूरा गाना पहले इन पे फिल्माया गया था। फिर क्या हुआ? फिर ना रीशूट करना पड़ा, क्योंकि यश जी ने कहा कि देखो ये जो घंटी है ना, ये एक गाय के गले में ज्यादा अच्छी लगेगी, कुत्ते के गले में नहीं।